या देवी सर्वभूतेषु आदिशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ये है चंडी देवी की चढ़ाई, स्टार्ट है यहाँ से। जय माता दी। तो गाइस ये है चंडी देवी की चढ़ाई, यहाँ से जा रहे हैं। बंदर बहुत है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो यात्रा स्टार्ट होगी चंडी देवी की, और इस वाले रास्ते पे पैदल रास्ता है ये। इस रास्ते पे भीड़ बहुत कम है, ना के बराबर है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। देखिए कैसे सुनसान सा है, इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, और ये आगे। अब ये सारा जो एरिया देख रहे हो, ये सारा एरिया चीला का एरिया है। यहाँ से लोग कुछ आ रहे हैं अभी भी, देखो साधु लोग आ रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। नारायण। जय माता दी। देखो जय माँ चंडी देवी। ये जिस पर्वत पे माँ चंडी देवी का मंदिर है, ये नील पर्वत कहलाता है। और ये नील पर्वत हिमालय की जो साउथर्न मोस्ट माउंटेन चेन है, उसमें शिवालिक हिल्स जो हैं, उन शिवालिक हिल्स के अंडर में ये नील पर्वत आता है। जय माता दी। जी माता जी। नो माता जी। ये एक स्टॉपेज आ गया, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि ब्रीदिंग अप हो चुकी है। हाँ। तो गाइस ये एक स्टॉप आ गया, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं, डिवोटीज हैं, इस टाइम पे मोस्टली डिवोटीज ही आ रहे हैं, क्योंकि डिवोटीज को फ़र्क नहीं पड़ता किसी सीज़न के लिए। डिवोटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सीज़न। ट्रैक है 2.5 किलोमीटर। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप आना चाहें तो आप रोप वे से भी आ सकते हैं, वो अदर साइड पड़ता है रोप वे। तो रोप वे का कितना चार्ज है जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो मैं आपको ऊपर जाके जो उसकी लिस्ट, जो रेट लिस्ट लगी होगी, चार्जेस चार्ट होगा, उस पर मैं आपको शो करूंगा वहाँ पे जाके। तो ऊपर जाके देखेंगे कि प्रेजेंट में कितना बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये 150, तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं 193 है या फिर 175 है। तो चलते हैं आगे। जय माता दी। चढ़ाई अभी स्टार्ट हुई है, यहाँ से आप शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट से जाते हो, पर यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अगर थोड़ा सा मुझे नॉर्मल शॉर्टकट दिखा तो मैं शॉर्टकट भी लूँगा फिर, लेकिन वहाँ कैमरा फिर पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि आपको क्लाइंब करना पड़ता है, तो फिर आपको दोनों हैंड यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शांति का अनुभव कीजिए, जो शांति आपको भागम भाग की दुनिया में नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम आए ही हैं टाइम निकाल के माता रानी के द्वार, तो आराम से चला जाए और यात्रा के हर पड़ाव को एंजॉय किया जाए, यही मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे ऊपर जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। दूसरा वहाँ पर अंजनी माता का मंदिर भी है, जो हम पहले भी आते थे, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी लेके जाऊँगा। देखो लोग आ रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। हो गया स्टॉपेज,
रेस्ट हो चुका है, अब आगे यात्रा कंटिन्यू करते हैं। आते घर पे सवारी झोलियां भी भरी जाती, झोलियां भी भरी जाती, दुख संकट कटते, दुख संकट कटते, दरबार है मेरो वाली का, दरबार निराला है जगदम्बे शेरों वाली का, दरबार निराला है। तो ऊपर देखो चंडी देवी मंदिर दिख रहा है, यहाँ से वो ऊपर जाना है, पहुँचना है, दिख रहा है आपको? अभी थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो और साफ दिखेगा, यहाँ से दिख रहा है। ये बहुत स्लिपरी शॉर्ट कट है, हम बचपन में यहाँ से जाते थे, अभी भी बना हुआ है, दोनों हाथों से होल्ड करना पड़ेगा नहीं तो आप नीचे आ जाओगे। ऊपर बंदर भी है, देखो कैमरा ना खींच ले, इसलिए थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। जय माता दी, जय। शांति सुन रहे हो आप? शांति कितनी है। शाम 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है ट्रैकिंग रास्ता, क्योंकि साथ पे चीला नाम का जंगल, वहाँ भी लोग जाते हैं घूमने, राजा गार्डन पार्क है, तो जानवरों के आने का यहाँ से डर होता है, यहाँ निकलते हैं वो। तो चलते हैं फिर, इस टाइम पे तो कोई नहीं आया, खैर लोग आ रहे हैं पर दूर दूर हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, रास्ते में दूर दूर है सब, इतना डिस्टेंस रहता था बस। देखो पत्ता गिर रहा है, ऊपर बंदर है, टक टक आवाज आ रही है, ऊपर देखो सामने लंगूर भी आ रहा है। चलो अब चलते हैं फिर, कहीं वो मांगे कि कैमरा दे दो भाई। पानी की बोतल जरूर रखिएगा अपने साथ, प्यास बहुत लगी, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाएगा। वादियाँ देखो, पहाड़ सुंदर हैं, पहाड़ ज़रूरी हैं, बस थोड़ा ही रह गया अब तो। सामने वाला मंदिर दिख रहा है माता रानी का, पेड़ों के बीच में। गाइस हम पहुंच गए माता के दरबार में, देख माता का दरबार आ गया है और पहुंच रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ से है ना प्रसाद ले लिया, फूल भी ले लिया, अपनी श्रद्धा से आप 101, 200 कितने का ले सकते हैं। पानी पीने का भी है और शुद्ध पानी है, हाथ धोने का भी है, ठीक है। माँ चंडी देवी द्वार, तो गाइस चंडी माता मंदिर द्वार, यहाँ से बाहर निकला हूँ पर यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो नहीं बना सकते, इसलिए फोटो नहीं खींच सकते, इसलिए बनाया और मैंने यहाँ पर सीढ़ियों में कैमरा खोला, तो यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ। ये देखिए माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर था, ये माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये बाबा काल भैरव और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। माता के वहाँ से दरबार से रास्ता आ रहा है, दर्शन हो गया, मैं यहाँ से निकलूँगा। मुरादे मन की दरबार है शेरों वाली का, दरबार निराला है, दरबार निराला है,
जगदम्बे शेर, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं आप लोग। बिगड़ी बनती सबकी किस्मत भी सवर जाती, किस्मत भी सवर जाती, आते दर पे सवाली। भीड़ आ गई। तो भाई सामने चंडी देवी का मंदिर जहाँ से मेरे दर्शन होते हैं उसके जस्ट सामने जाएंगे हम अंजनी माता के मंदिर। कट कटते दरबार है मेरो वाली का, दरबार निराला है। ये सामने अब अंजनी माता का मंदिर और यहीं पे उड़न खटोले की जगह है। दो लोग उड़न खटोले से आ रहे हो, यहीं से आ रहे। ये देखो, जय श्री राम। आज तो मैया के दर्शन में आए हो, बाबा का पिक्चर बना रहे हो, कुछ सेवा तो करते जा बेटे। आज जा तेरे नए काम बनाए, दुर्गा माता गंगा मैया वैष्णो माता महामाई। लो जी, जो मन में सोचा पूर्ण हो जाए, तेरी मन की मना दे पूर्ण करे माता रानी जय गंगा। जय हो। और चंडी मैया तेरा जोड़ा मंगल भी होना भगवत होनी चाहिए। जय श्री राम। ये गाइस उड़न खटोले का रास्ता है, प्रवेश एंट्री और बाहर एग्जिट यहीं सर है। वन वे टिकट 128 का, विशेष छूट दो टिकट मात्र 148 रुपए की। अगर आप वन वे से जाना चाहते हैं तो 128 और टू वे से जाएंगे तो 193 पर पर्सन पड़ेगा। ये टिकट है भैया, दे दें भैया, दे दें ये लो। तो गाइस ये नज़ारा है, ये इन्फॉर्मेशन है टिकट की। अब हम जा रहे हैं अंजनी माता के मंदिर, वहीं हनुमान जी का मंदिर है। अंजनी माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर वहीं पर मिलेगा। अंजनी माता वहाँ और भी मंदिर है, उधर दर्शन करवाते हैं। यहाँ से थोड़ा पैदल रास्ता है, कोई अगर रोपवे से भी आएगा तो यहाँ तो पैदल जाना पड़ेगा। आई थिंक 100 मीटर की दूरी है। दरबार निराला है जगदम्बे। जूता चप्पल आप कहीं भी रख सकते हैं, हर दुकानदार के पास जूता स्टोर है आजकल। प्रसाद लेंगे तो आप फ्रीली ही वहाँ पे जूते चप्पल रख सकते हैं। अंजनी माता के मंदिर जा रहा हूँ। गाइस ये है अंजनी माता मंदिर के, आप सारे मंदिर हैं लाइन से आप आएंगे। काली माता मंदिर है, संतोषी माता मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। देखिए मेरे पीछे, मेरे इधर स्टेट ठीक है, बहुत अच्छा बन गया पहले यहाँ पे, पहले से यहाँ पे पुलिस सर्वेलेंस वो भी है कंट्रोल रूम। देखो जय, नज़ारा बड़ा अच्छा है। जय माता दी, 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 जय माता दी। हाँ गाइस चल रही है वापसी, यहाँ से वापसी जा रहे हैं। तो टॉयलेट भी आ गए, किसी को जाना। तो खाने पीने के लिए खा सकते हैं कुछ भी आप। तो यहाँ पे कुछ खाना पीना गाइस, कुछ जलपान कर लिया जाए। हाँ मैंने तो कल छोले भटूरे खाए थे, तो आज कढ़ी चावल चख रहा हूँ, देखता हूँ कढ़ी चावल कैसे हैं।
नीचे से मैंने छोले कुलचे खा लिया था, तो कड़ी चावल ले लूँ, ज़्यादा भूख थी नहीं तो कड़ी चावल खा रहा हूँ। तो गाइस कड़ी चावल हो गए, अब चलते हैं वापस। चंडी देवी के पास में एक जगह है आगे जाके मंदिर के आगे, वहाँ से पूरे नज़ारा दिखता है हरिद्वार का, वहाँ से आपको चल के दिखाता हूँ। हम जा रहे थे जहाँ से हम आए थे वहीं जा रहे हैं, सामने उड़न खटोले का रास्ता है। आंटी जी आपको मैंने कहा था ना चलो एक ही बचा, अब ख़त्म ही हो गए सारे दे दे के। तो गाइस अब भीड़ बढ़ गई है, सामने उड़न खटोला देख रहे हो, ये उड़न खटोला रोपे। यहाँ से वापसी चंडी देवी परमार्थ ट्रस्ट, दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर पालकी भी उपलब्ध है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। टोकरी ले ली इसने, मुझे तक निकाल नहीं लेगा ना सब कुछ देगा। तो गाइस अपने ध्यान सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बंदर ले सकते हैं यहाँ पे। सामने माता का मंदिर दिख रहा हुआ, अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। गाइस ये रास्ता है वहीं का जहाँ का मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ ये देखिए नज़ारा। चंडी देवी माता के मंदिर जो रास्ता जा रहा है उसके साथ में ये रास्ता पीछे, यहाँ से ये एक रास्ता बना हुआ है शायद घूमने, वो हरिद्वार का पुल दिख रहा होगा, धुंध हो रखी है गाइस, दिख रहा है आपको कितना अच्छा नज़ारा है, ये धुंध हो रखी है और धूप की वजह से भी। सामने ये रास्ता है, जय माता दी। ये है चंडी देवी के पीछे, चंडी देवी सामने मंदिर, इसके थोड़ा पास साइड से ये मंदिर, ये रास्ता आ रहा है, एक अच्छा रास्ता है ये, पॉइंट यहाँ इस पॉइंट तक आता है ये रास्ता। ये देखिए क्या नज़ारा है, सामने चंडी देवी पुल है, सामने वो हरिद्वार लिखा हुआ है उधर, वो है ओम लिखा हुआ है, ये पूरा हरिद्वार है, हर की पौड़ी सामने है, ये गंगा माता का दूसरा रास्ता है, इसके पीछे हर की पौड़ी का रास्ता है, इसके पीछे ये सामने गंगा माता आ रही है। यहाँ से आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये शॉर्टकट है मेरे ख्याल से, ये एक शॉर्टकट है, हाँ ये शॉर्टकट का रास्ता है, ये दिख रहा है मेरे को, क्या बात है, ये पेड़ बहुत प्यारा है, बहुत डेंजरस जगह पे है लेकिन इसके लिए डेयरिंग चाहिए, और साथ में चला तो जाए बंदा, स्लिप हो गया तो गया। ये देखो यहाँ बैठने की जगह है, क्या रास्ता है, ये शॉर्टकट नहीं है, यहाँ से मुझे वापस जाना पड़ेगा। देखिए अगर शॉर्टकट नहीं दिख रहा मुझे, क्या नज़ारा देखिए, पूरे हरिद्वार का नज़ारा दिख रहा है, अगर धुंध ना होती तो आपको और क्लियर दिखता। वो सामने मनसा देवी मंदिर है, सामने मनसा देवी मंदिर है।
तो गाइस ये थी चंडी देवी मंदिर की यात्रा। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैं अंदर की फ़ोटो नहीं ले सकता था, वो हर जगह ऐसा ही होता है, वो स्ट्रिक्टली मना होता है। जो साथ साथ और मंदिर नीचे बने हुए थे उन मंदिर में मैंने परमिशन लेके थोड़ा बहुत शूट कर लिया, पर मेन मंदिर में अलाउ नहीं था। ये आपको भी पता, आप भी आएंगे तो आपको भी अलाउ नहीं होगा क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे की सर्वेलेंस पे होंगे, तो वहाँ पे आप कैमरा खोल नहीं सकते। और अब मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा, नीचे उतरने की क्या वीडियो बनाऊँ वो तो आपको पता ही है, एकदम से नीचे ढलान पे उतर जाते हैं। उसके बाद मैं अपना कन्वेंस लूँगा, लोकल कन्वेंस जिससे मैं ऑटो से आया था। तो चंडी देवी टेम्पल का इस वीडियो में मैंने आपको रीसेंट व्यू दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है और आप और वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, जहाँ भी मैं ट्रैवल करूँ आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ अगर आप एक लाइक कर देंगे वीडियो को तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा मेरा काम अच्छा हुआ। अपना एक वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए या आपको कुछ सजेशन देना है, और अगर आप नए वीडियो में क्या देखना चाहते हैं अगर वो आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। बार निराला है जगदम्बे शेरों वाली का दरबार निराला।